टुडे प्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। दर्शकों से मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से बार बार अपने माताहतों को नसीहतों पे नसीहतें देती जा रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और तमाम तरह के विभागों में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उसको लेकर, लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से जुड़ा है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, जहां पर फर्जी तरीके से नियुक्तियां देने का और कानून के विपरीत जाकर नियुक्तियां रख देने का और अपने अपनों को नियुक्ति देने का मामला सामने आया है। हमारे साथ इस मामले में जुड़े हैं आदर्श उपाध्याय जौनपुर से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है इस तरह की फर्जी नियुक्तों का मामला। आदर्श जी, बताइए कि किस तरह से ये मामला सामने आया और क्या कुछ अब तक हुआ है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य जो फर्जी तरीके से वहां पर नियुक्ति की है, जो कभी उत्तर प्रदेश शासन के किसी भी जीओ में नहीं है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसी विद्यालय में अपने वाइफ को, अपने बेटे को आप उस विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत कर सकते हैं। जब यह चीज़ें हमको पता चली तो मैं इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को दिया और जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब को मैंने एक लेटर लिख करके उनसे भी पूछा कि इस तरीके की फर्जी नियुक्ति हुई है तो क्या यह सही है या नहीं। इसके बाद भी हमें वहाँ से कोई सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई कि यह सही है या गलत है। मैंने इसके बाद इस विषय को लेकर के एक जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ RTI लगाया। उस RTI के माध्यम से भी अभी आज तक हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद हमने उसी विद्यालय को लेकर के एक SIT जांच की मांग की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से भी अभी तक हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई कि उस विद्यालय के लिए मैंने SIT जांच लगा दिया है कि नहीं लगाया है, कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, इस तरीके का कोई भी अभी तक हमें सूचना नहीं मिली। तो जिस तरह से फर्जी नियुक्तों का मामला संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आया और इसकी जानकारी विभाग के लोगों को भी हुई और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँची, RTI के माध्यम से भी सूचनाएं आपने मांगने का प्रयास किया लेकिन उसका जवाब नहीं आया, पर प्रथम अपील भी की जी, उसके बाद अब क्या है तैयारी, क्योंकि प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील की जाती है फिर आयोग में मामला चला जाता है जी। प्रथम अपील के बाद हमारी तैयारी है द्वितीय अपील करने की। द्वितीय अपील करने के बाद भी अगर हमें सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आने वाले समय में मैं बाध्य हो जाऊँगा मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। जिलाधिकारी जौनपुर की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? जिलाधिकारी जौनपुर की तरफ से हमारे पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक को हमारे पत्र को प्रेषित करते हुए उन्होंने सीधा यह कहता है कि आप जल्द से जल्द इस विद्यालय के जो भी आरोप प्रत्यारोप है इसको निस्तारण करिए। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जब हमें वहाँ बुलाया जाता है तारीख पर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक जब सुनवाई करता है तो उनके ठीक सामने स्कूल के भ्रष्टाचार प्रधानाचार्य सीधा कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, मैं तुमको देख लूँगा। इसके बाद ही प्रशासन मौन बैठी हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि अभी हमने बात की थी रजिस्ट्रार राज बहादुर जी से जो जौनपुर में है, उनका ये कहना है कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाया गया है जिन्होंने एक समिति का गठन भी कर दिया है, लेकिन अभी वहाँ से कोई सकारात्मक इस तरह की जवाब नहीं आया है। और इस पर रजिस्ट्रार ने ये भी कहा है कि हम खुद भी इसको व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। क्या लगता है कि जो एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है वहाँ पर? सिंडिकेट तो वहाँ पर काम कर रहा है लेकिन हमें तो नहीं लगता कि हमें वहाँ से कुछ भी उचित विशेष बातों पर हमें सकारात्मक कर सकते हैं। टुडे प्रेस इंडिया पर के माध्यम से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही अपेक्षा रखता हूँ कि जिस तरीके से सरकार यह बार बार कहते चली आ रही है कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, फिर भी मैं सरकार से यह अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ इस भ्रष्टाचार विद्यालय को या तो जितने भी यहाँ फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं सबको जो है तत्काल प्रभाव से उनका वेतन रोका जाना और उनकी जाँच कराया जाना, और अगर इसमें सही पाया जाते हैं तो उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी। मैं यही सरकार से अपेक्षा रखता हूँ। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फर्जी नियुक्तियों का मामला, पहले भी ऐसे तमाम मामले आ चुके हैं, राजधानी लखनऊ में मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी मदरसे में जिस तरह से
विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्तियों का मामला आया, उस पर सरकार ने तमाम तरह की जांच बिठाई और अब ये मामला निकलकर सामने आया है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां पर फर्जी तरीके से लोगों को नियुक्तियां दी गई, जिसमें कुलपति की खामोशी और जिलाधिकारी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है और रजिस्ट्रार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, ये काफ़ी कुछ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और उपमुख्यमंत्री के द्वारा जो इस मामले को लेकर एक समिति का गठन किया गया, उसमें अभी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये अभी हमें समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक गए, कितनी गहरी हो चुकी है, इसका अंदाज़ा अभी आपने जो मैंने बात की आदर्श उपाध्याय से, जिन्होंने उस मामले पर शिकायत भी की है और RTI के माध्यम से भी जानकारी लेनी चाहिए। फिलहाल क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकल कर आता है, हम आगे भी आप तक इसकी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।